बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उगदतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली या मुग़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम बेटा। इफ्रा कैसी हैं बेटा? आप खैरियत से हैं? यस सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का शुक्र। आपकी तरफ सब खैरियत है? बारिश बारिश से कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं सर, कल ही थे, बस आज नहीं है। चले, अल्लाह का लाख लाख करम है। अल्लाह ताला बाकी लोगों को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लोग बड़ी मुश्किल में आ गए बेचारे। नाज़िमाबाद की तरफ मैंने बड़ी मुश्किल सुनी है लोगों के लिए। सबके लिए दुआ यस है सर, अल्लाह ताला सबको इस मुश्किल वक्त से निकाले। और बस सर कल बहुत पानी हो गया था। जी बस बारिश तो बेटा रहमत है, ये तो हमारे अमाल हैं, हम लोगों के हुक्मरान हैं जिन्होंने इसको जहमत बना दिया। बहरहाल अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। इस दुआ से आगाज़ करते हैं क्लास का। मेरा बच्चा इफ्रा, मुझे थोड़ा सा अगर आप याद दिला सकें कि हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कशन की थी, ताकि मैं फिर वहाँ से कंटिन्यू कर लूँ। सर हम अकाउंटिंग के ऊपर बात कर रहे थे, तो आपने हमें एक बात बताई थी, आप हमें स्लाइड शो दिखा रहे थे। हमने बात की थी द बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड डिसीजन मेकर्स विद सही इंफॉर्मेशन यूजफुल सही इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो आज जो है, और फिर मैंने ये कहा था कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप लोग जरा सोचिएगा, गूगल से यस देखिएगा, सर, कोई यस ऐसी सर, बात हुई थी हमारी? यस सर, वो उससे पहले वही क्लास में हुई थी, मैंने निकाली थी एक बुक में से। अच्छा ओके ओके। कौन सी बुक? आप पेटी वाला बुक डिपोर्ट परचेज किया आपने? यस सर, अच्छा चलें ठीक है, सही है। तो मैं यहीं से जहाँ से आपने मुझे बताया, मैं वहाँ से लेक्चर को कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है मेरा बेटा? अच्छा यस सर। बात यह है कि जब हम अकाउंटिंग पढ़ने का आगाज करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि अकाउंटिंग है क्या, और इसके बारे में मैं यहाँ वर्ड टू वर्ड, ये जो आपके सामने डेफिनेशन मौजूद है, मैं ये वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ूंगा, बल्कि मेरी कोशिश होगी मैं इसके बारे में आपको आइडिया दूं। और ना आपने पेपर में कोई ऐसी डेफिनेशन लिखनी है, ना इस तरह से आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अकाउंटिंग। लेकिन बेसिकली जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है तो उसके बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट को। तो इसलिए मैं कोशिश ये करूँगा कि आप आपसे इसकी बेसिक्स शेयर करता जाऊं और आगे बढ़ता जाऊं, और अगर कोई क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर होता है तो डेफिनेटली फिर आपकी क्वेश्चन आप जो है वो विदाउट हेजिटेशन क्वेश्चन पूछ लेंगे। अच्छा अब बात यह है कि अकाउंटिंग है क्या, मैंने ये क्वेश्चन किया, तो अकाउंटिंग दुनिया में लोग सब अकाउंटिंग करते हैं, इस बारे में हम बात भी कर चुके हैं, ठीक है। और अकाउंटिंग जो है आसान लफ्ज़ों में हिसाब किताब करने का नाम है। अगर दुनिया का हर शख्स हिसाब किताब करना जानता है, जो कि जी हाँ बिल्कुल जानता है, दुनिया का हर शख्स अगर हिसाब किताब करना जानता है तो आप भी जानते हैं। अगर आप भी जानते हैं तो फिर आपको अकाउंटिंग पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अकाउंटिंग की जो हम बहुत ही आसान तरीन जो मीनिंग बताते हैं वो हिसाब किताब बताते हैं। तो क्या ये हिसाब किताब बिल्कुल आम इंसानों की तरह है? तो हमने कहा नहीं, ये हिसाब किताब आम इंसानों की तरह नहीं है। हाँ है तो हिसाब किताब बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके फादर, आप, आपके भाई, आपकी एल्डर सिस्टर जो है कहीं जॉब करते हैं, आपकी मदर कहीं जॉब करती हैं, वहाँ से पैसे जो आते हैं उसका हिसाब, और जो घर में खर्च होते हैं उसका हिसाब, ये हिसाब किताब तमाम लोग ही रखते हैं। आयशा आपकी पहली क्लास तो नहीं है ना बेटा आज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग? अच्छा ठीक है मेरा बच्चा। तो बस बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई अकाउंटिंग जो है बेसिकली वो एक ऐसा काम है, एक ऐसा हिसाब किताब करने का तरीका कार है जो सारी दुनिया जानती है। तो इसको फिर पढ़ाया क्यों जाता है? जो सारी दुनिया जानती है वो उनके लिए फन नहीं है, आर्ट नहीं है, वो तो वो अंदाज है जो सब जानते हैं। मेरा ख्याल है अगर मैं गलत ना हूँ तो मैंने आप सबको ये एग्जाम्पल दी थी, मुझे अच्छे से याद पड़ता है कि क्या अगर आप एक डिश बना लेती हैं तो क्या आपको शेफ कहना शुरू कर दूं? अगर आप एक गाना गा लेती हैं तो क्या मैं आपको सिंगर कहना शुरू कर दूं? तो आप लोगों ने कहा था नहीं सर, हम सिंगर नहीं हैं, हम शेफ नहीं हैं, ठीक है।
अगर हम घर की किसी चीज को ठीक कर लेते हैं तो क्या हम प्लम्बर कहलाएंगे? नहीं। अगर हम कोई काम कर लेते हैं तो उस काम में स्पेशलिटी हासिल करने के लिए, उस काम में महारत हासिल, स्किल्स हासिल करने के लिए हमें वो काम सीखना पड़ता है। किसी से जाके सीखेंगे तो फिर हमें पता चलता है वो काम किस तरह किया जाता है और क्या उसको करने का बेहतर अंदाज है। बिल्कुल ऐसे ही अकाउंटिंग, क्योंकि हम किसके लिए पढ़ेंगे याद दिलाओ? क्या सर इमरान के लिए अकाउंटिंग पढ़ेंगे? आपके घर के लिए अकाउंटिंग पढ़ेंगे? किसके लिए पढ़ेंगे याद दिलाएं? बिजनेस, बिजनेस के लिए। एक्सीलेंट। तो अगर हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो हमें बिजनेस के लिहाज से अकाउंटिंग करनी आनी चाहिए। अब फिर एक क्वेश्चन रेज हुआ, आपने रेज किया और बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, सर बिजनेस की अकाउंटिंग हम करेंगे तो क्या ठेले वाला बिजनेस कर रहा है? हाँ, हम तो कह चुके हैं फ्रूट सेलर भी बिजनेस करता है, मोची भी बिजनेस करता है, तो अगर वो लोग बेकरी वाला भी बिजनेस करता है, दूध बेचने वाला भी बिजनेस करता है, तो अगर चिंची चलाने वाला भी बिजनेस करता है, अगर चिंची उसकी अपनी है, अगर ये सब लोग बिजनेस कर रहे हैं तो क्या इन सब लोगों ने अपना हिसाब किताब करने के लिए किसी को अकाउंटेंट के तौर पर रखा हुआ है? हरगिज नहीं, इन्होंने किसी को नहीं रखा हुआ। तो फिर इसका मतलब है ये हिसाब किताब खुद कर रहे हैं? जी हाँ, ये अपना हिसाब किताब खुद कर रहे हैं, ये अपना प्रॉफिट और लॉस खुद मालूम कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है लार्ज स्केल पे काम करने की तो फिर बिजनेस का मालिक हर काम खुद नहीं कर सकता। आप देखते हैं एक हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, एक अकेला डॉक्टर सबको एंटरटेन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक अकेला डॉक्टर इतने सारे पेशेंट्स को एट अ टाइम नहीं देख सकता। तो क्या करते हैं, डिविजन ऑफ वर्क, काम को बांट दिया जाता है बहुत सारे लोगों के दरमियान। बिल्कुल ऐसे ही जब एक बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाया जाता है तो वहां पर हिसाब किताब का काम करने के लिए एक खास बंदे को रखा जाता है जो उस काम का माहिर होता है और उसे कहते हैं अकाउंटेंट। वो अकाउंटेंट का काम क्या होता है? बिजनेस का हिसाब किताब मेंटेन करना। तो उम्मीद करता हूँ ये मैंने पूरा आपको रिव्यू दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, और अगर आपसे भी पढ़वा लूँ तो शायद आप इंग्लिश पढ़ के खुश हो जाएं। लेकिन असल बात यह है कि आपको इस तमाम बात की थीम समझ आनी चाहिए कि असल में यहाँ वो कह क्या रहा है। तो अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है मेथड रिकॉर्ड करने का, इवैल्यूएट करने का बिजनेस की एक्टिविटीज को, और उन्हें कम्युनिकेट करने का उनके रिजल्ट को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रिजल्ट को। अच्छा, अब ये सब क्या है इसको और मजीद अभी डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन पे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो ना वो ये लिखी हुई है। अगर आप देखें ये छोटी सी डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज ऑफन बीन कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है, अकाउंटिंग इज द आर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है सर, अकाउंटिंग इज द आर्ट एंड आर्ट मीन्स फन, और फन वो जो के सीखना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आप सुनते होंगे कि भाई उसकी तो बाय बर्थ आवाज बहुत अच्छी है, हैं? सुनते हैं या नहीं आप लोग? अक्सर आपके खानदान में आपके कोई कजन ऐसा होता है ना, वो कहते हैं भाई उसकी आवाज तो बाय बर्थ बड़ी अच्छी है, बहुत सुरीली आवाज है। अगर किसी की आवाज सुरीली है तो क्या वो सिंगर है प्रॉपर? No. नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो सिंगर बनना चाहता है, अगर वो प्रोफेशनल नाथ ख्वां बनना चाहता है तो उसे वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी किसी ऐसे शख्स को जिसे वो काम अच्छे से आता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग बेसिकली एक फन है, और किस चीज का फन है ये हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे। फन है इंटरप्रेट करने का, मेजर नापने का, इंटरप्रेट माने पेश करने का, और कम्युनिकेट माने किसी के सामने हाजिर करने का। किस चीज को? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रिजल्ट को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो पता चलता है उस नतीजे को किसी के सामने पेश करने का फन है, उस नतीजे को नापने का फन है, क्या? अकाउंटिंग। और ये फन है याद रहे। अच्छा, अब बात यह है कि हम थोड़ा सा और इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ अकाउंटिंग शुड नॉट बी लिमिटेड टू स्टूडेंट्स मेजरिंग इन अकाउंटिंग और फाइनेंस। Everyone who engages in economic activity will benefit from understanding the nature, significance and limitation of accounting information. ये बात याद रखिएगा कि जो लोग accounting की study करेंगे सिर्फ accounting उन्हीं से relate नहीं करती, सही है? या जो लोग major करेंगे जैसे BS accounting and finance, सही है, masters in accounting and finance, MBA, सही है, जो लोग MBA finance करेंगे, सही है, तो जो लोग इस तरह से accounting में finance में आगे बढ़ेंगे सिर्फ accounting उन्हीं से relate नहीं करती। वो कह रहा है everyone who engage in economic activity, यानी वो तमाम लोग जो engage हैं किसमें? economic activity। अब economic activity क्या होती है, क्या आपको पता है economic activity क्या होती है?
will benefit from understanding the nature, significance and limitation of accounting information. Har wo shakhs jo economic activity mein معاشی سرگرمیوں میں, اب آپ نے اکنامکس پڑھی ہے, اگر اکنامک ایکٹیویٹی آپ ڈیفائن کرتے ہیں اچھی بات, ورنہ پھر میں اپنے طور پر ڈیفائن کرتا ہوں, وہ اس سے مستفید ہوگا, اسے فائدہ حاصل ہوگا. کیا وہ انڈرسٹینڈ کرے گا, سمجھے گا نیچر, چیزوں کی نیچر سمجھے گا, ان کی اہمیت سمجھے گا, اور اکاؤنٹنگ انفارمیشن کی جو لمیٹیشن ہوتی ہیں, جو محدود جو چیزیں جہاں تک اکاؤنٹنگ انفارمیشن ہمیں بتا سکتی ہے وہ سمجھے گا, اس سے ہمیں پتہ چلے گا. अच्छा तो मेरे बच्चों, बात यह है कि हम आपको ना उलझाना नहीं चाह रहे, इसलिए बहुत सिंपल वर्ड्स में आपसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, और क्योंकि आज क्लास में बहुत कम लोग मौजूद हैं, यकीनन बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, देखकर पढ़ेंगे, देख के समझेंगे चीज़ों को, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मुश्किल बातें ना करूँ, आसान आसान बातें करूँ, ठीक है. अच्छा अब डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग की, वो नीचे मौजूद है, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले अकाउंटिंग पढ़ी क्यों जा रही है ये हम अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आपको पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन दिखा रहा था वहां बता चुका हूं, तो मैं इसको जल्दी से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहा हूं. बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, बस. और अगर आपको ज्यादा पढ़ने का शौक है तो ये ब्रैकेट पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा कि इस अंग्रेजी का मतलब क्या है. द बेसिक पर्पस, बुनियादी मकसद अकाउंटिंग का मुहैया करना है इंफॉर्मेशन जो के कारामद हो معاشی فیصلے کرنے میں, صحیح ہے, اکنامک ڈیسیژن میکنگ معاشی فیصلے کرنے میں کارآمد. یعنی دیکھیں, اگر آپ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, اگر چاہے وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو, بزنس کے معاملات سے, تو آپ کو بزنس کی چیزوں کے بارے میں پہلے پتا ہوگا تو ہی آپ صحیح فیصلہ کر پائیں گے نا. اگر آپ اپنی چیز کی قیمت بڑھانے جا رہے ہیں, مثال کے طور پر اکنامکس تھوڑی سی آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے, اس لیے میں اکنامکس کی بیسس پہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی چیز کی قیمت کو بڑھانے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے لوگ آپ کی چیز خریدنا چھوڑ دیں اور دوسری چیز خریدنا شروع کر دیں, سبسٹیٹیوٹ کی طرف چلے جائیں, کسی ایسی پروڈکٹ کی طرف جو آپ کی پروڈکٹ سے ملتی جلتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, مثال کے طور پہ میں سمجھاؤں, اگر ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, اگر بلو بینڈ والے اپنا مکھن مہنگا کر دیتے ہیں تو کیا اور کمپنیاں مکھن نہیں بناتی؟ بناتی ہیں, ایسا ہے. اسی طرح اگر پکاسو والے اپنا پین مہنگا کر دیتے ہیں تو کیا اور کمپنیاں پین نہیں بناتی؟ اور سب کا پین ایک جیسے ہی چل رہا ہوتا ہے تقریباً, تو اگر پکاسو والے اپنا 10 روپے والا پین جو 10 روپے میں ملتا ہے مارکیٹ میں, اگر وہ 15 روپے میں بیچنا شروع کر دیں یہ سوچ کے کہ ہم زیادہ پروفٹ کمائیں گے, تو ہو سکتا ہے لوگ پکاسو کا پین ہی خریدنا چھوڑ دیں. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بات آپ کے, ماشاءاللہ آپ کے سر نے بڑا اچھا سمجھایا آپ لوگوں کو, بڑے سینئر ٹیچر ہیں ماشاءاللہ آصف اشرف صاحب, انہوں نے آپ لوگوں کو بتایا نا اس بارے میں, اس دن آپ میں سے ہی کسی نے شیئر کیا تھا کہ بیسیکلی بزنس کرتے ہیں تو اس کا حساب کتاب ہوتا ہے اکاؤنٹنگ سے, بزنس سے آگے اکاؤنٹنگ, یعنی بزنس کرتے ہیں تو حساب کتاب کرنا پڑتا ہے, اور بزنس کرنے سے پہلے کیا بزنس کرنا ہے, کس پیمانے پہ کرنا ہے, کیا کتنے روپے میں بیچنا ہوگا سامان, کیسے بیچیں گے, خرید کے بیچیں گے, بنا کر بیچیں, یہ سارے فیصلے کرنے میں آپ کو اکنامکس مدد دیتی ہے. کیا میری بات سمجھ آ رہی ہے, یس اور نو؟ یس سر. سمجھ آ رہی ہے, ویری گڈ, ایکسلنٹ میرے بچوں. کوئی کوشچن ہو نا تو بلا جھجک بولیے گا, تکلف نہ کیجیے گا, صحیح ہے. اچھا اب بات یہ ہے, اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے میرا بچہ, تو میں اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں اور یوں کہتا ہوں کہ بھائی اکاؤنٹنگ بنیادی طور پر اس ڈیفینیشن کو پڑھ رہا ہوں, یہ جو پرپز ہے, دا مین انفارمیشن ا بزنس مین ریکوائر از دا پروفٹ اور لاس آف ہز بزنس. اگر کسی شخص کو اپنے بزنس کی انفارمیشن جو چاہیے ہوتی ہے, وہ کیا چاہیے ہوتی ہے, مثال کے طور پہ آپ جو ہے, آپ کے بڑے بھائی یا آپ کی بڑی بہن ڈاکٹر بن گئی پڑھ کے جناب, صحیح ہے, اور انہوں نے اپنا ایک کلینک اسٹارٹ کیا, تو ڈیفینیٹلی ان کا کام کیا ہے, مریضوں کو دیکھنا. مریضوں کو دیکھیں گے تو کیا فری میں دیکھیں گے, فیس سبیل اللہ دیکھیں گے؟ نہیں, پیسے ملیں گے, فیس لیں گے. تو اب جب وہ اس چھوٹے سے کلینک سے ایک بڑا سا ہاسپٹل بنا لیتے ہیں, تو وہ ہاسپٹل سے یہ دیکھیں گے نا کہ ہاسپٹل چلانے سے انہیں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان, اپنی جیب سے پیسے لگ رہے ہیں یا کچھ کما رہے ہیں. یہی ہوتا ہے نا ہر بزنس مین, ہر بزنس کرنے والے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی جاننا ہوتا ہے کہ بزنس کرنے سے اسے پروفٹ ہو رہا ہے یا لاس. دا مین انفارمیشن ا بزنس مین ریکوائر از دا پروفٹ اور لاس آف ہز بزنس اینڈ دس انفارمیشن پرووائڈیڈ ٹو ہم بائی دا اکاؤنٹنگ. بس آگے میں نہیں پڑھ رہا, ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا. آپ سب سمجھ گئے تو انف ہے, اور اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ پڑھیے گا, اور آپ اس میں سے کچھ بھی پوچھیں گے. جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کیا,
ओनर्स, मैनेजमेंट, क्रेडिटर, टैक्सेशन अथॉरिटीज, ये क्या है सर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मैं आपको बहुत शॉर्ट वर्ड्स में बता रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग की चाहिए होती है वो ओनर, मालिक को चाहिए होती है, मैनेजमेंट को चाहिए होती है. सर मैनेजमेंट को क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? क्योंकि मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट को ये पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैनेजमेंट और मेहनत करेगी. सही है. क्रेडिटर, कर्जा देने वाले को अगर ये पता चलेगा कि बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वो हमें कर्जे पे सामान देना पसंद करेगा, और अगर वो देखेगा इनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, इन्हें लॉस हो रहा है, तो वो हमें कर्जे पे सामान नहीं देगा. बिल्कुल. हकूमत को जब पता चलेगा कि भाई ये लोग बहुत मुनाफा कमा रहे हैं, कैसे पता चलेगा? एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बना के देगी ना. अकाउंटिंग क्या बताएगी? बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस. और हकूमत को जब ये बात पता चलेगी तो हकूमत हम पर क्या लगाएगी, बोलो? टैक्स लगाएगी. सिंपल. क्या ख्याल है? दोनों को समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह. तो भाई अकाउंटिंग पढ़ने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने अकाउंटिंग करने का मकसद भी समझ लिया और अकाउंटिंग क्या है थोड़ा बहुत ही आइडिया ले लिया. अब जो मैं अगली चीज बताने लगा हूँ वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. मैं इसके बारे में ज्यादा तवील बात आपसे नहीं करूंगा, एक एक लाइन कह के आगे बढ़ जाऊंगा. वजह देखें, आपको पता होना चाहिए, आपके पेपर में एमसीक्यू आ सकता है, एक नंबर का एमसीक्यू आ सकता है कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, और इसमें से कोई एक नाम लिखा होगा तो, और अगर और बाकी कुछ और नाम लिखे होंगे तो आप सही नाम सेलेक्ट कर लेंगे, आप कहेंगे हाँ ये भी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है. सर अभी अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है, ब्रांचेस पढ़ाना शुरू कर रहे हैं आप. बात यह है कि हम आपको इंट्रो दे रहे हैं, इसके बाद हम अकाउंटिंग के डेफिनेशन पे जा रहे हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि आप जीरो मीटर हैं, आप सबको आइडिया हो चुका है कि व्हाट इज अकाउंटिंग. अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, अकाउंटिंग बिजनेस की जबान है, अकाउंटिंग एक फन है. क्या करने का? पेश करने का, नापने का, तोलने का और बताने का. क्या चीजें? इकोनॉमिक एक्टिविटीज से होने वाला नतीजा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेजर करने का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो रिजल्ट आता है उसे नापने का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो रिजल्ट आता है उसे किसी को बताने का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो रिजल्ट आता है उसे किसी के सामने पेश करने का. अकाउंटिंग क्या है? फन. और ये डेफिनेशन मैं इंशाल्लाह आज की क्लास में पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आज पढ़ लूँ ये डेफिनेशन. अगरचे के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है लेकिन कोई बात नहीं, मैं डेफिनेशन पढ़ने की भरपूर कोशिश करूंगा, बिकॉज यस्टरडे भी हमारी क्लास ऑफ हो चुकी है और हमारी आज और कल ही क्लास है. इसके बाद फिर ईद के बाद, अब ये मैक हॉलीडेज कितने देता है, ईद के क्या है वो हमें पता चल जाएगा. वैसे तो आप सबको यकीनन पता चल चुका होगा कि ईद हॉलीडेज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं वो हैं फ्रॉम फ्राइडे टू संडे. ठीक है, मंडे से क्लास होनी चाहिए, बट मैक जो भी डिसाइड करेगा कि भाई कब से कब तक ऑफ है वो हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह, वो कोचिंग वाले भी आपको मैसेज कर देंगे. अच्छा, अब मेरे बच्चों अकाउंटिंग बेसिकली अगर उसकी शाखें बनाई जाएं, यानी बिजनेस का जो भी इंफॉर्मेशन की जो अकाउंटिंग क्या दे रही है, बेसिकली अकाउंटिंग दे रही है इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे रही है तो इंफॉर्मेशन किस किस तरह की दे सकती है वो? तो हर तरह की इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग अकाउंटिंग बना दी. समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अकाउंटिंग बेसिकली क्या दे रही है? इंफॉर्मेशन. किसकी? बिजनेस की. तो बिजनेस की इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट कर हमने अकाउंटिंग की ब्रांचेस बना दी. बोला फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पढ़ेगा वो अलग तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेगा वो अलग तरह की इंफॉर्मेशन, मैनेजरियल अकाउंटिंग अलग तरह की इंफॉर्मेशन. तीनों के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ बहुत मुख्तसर जुमले कहूँ, आपकी तवज्जो रहनी चाहिए मैक्सिमम. जो अभी देख रहे हैं, जो अभी सुन रहे हैं उनकी भी, और जो अभी नहीं है उनसे भी बड़ी मौदवाना दरखास्त है, वो भी लेक्चर को जब सुने तो उनके पास तो ऑप्शन होगा, वो रुके, स्टॉप कर लें, पॉज करें, फिर दोबारा रिवाइंड करें और देखते रहें बैठ के आराम आराम से. क्या ख्याल है? लेकिन जो बच्चे अभी मेरे साथ हैं उनसे रिक्वेस्ट है, बड़े इत्मीनान से सुनिएगा. बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के बारे में पढ़ाती है, सिखाती है. बहुत आसान जुमले कह रहा हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग की शाखें बना दी ना तीन, सही है. हर शाख का अलग अलग काम है. जैसे एजुकेशन को अगर मैं बोलूं हमने तीन शाखें बना दी, समझाने के लिए कहूं इंजीनियरिंग की अलग, यानी साइंस की अलग फील्ड बना दी, कॉमर्स की अलग फील्ड बना दी और आर्ट्स की अलग फील्ड बना दी. क्या ख्याल है? है ना? तो अब इसी तरह अकाउंटिंग की तीन शाखें बना दी जो अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? बिजनेस को करने से जो प्रॉफिट या लॉस हुआ उसके बारे में अगर कोई जानना चाहता है, अगर बिजनेस के ओनर को ये जानना है कि बिजनेस करने से कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, तो उसे चाहिए वो कौन सी अकाउंटिंग करवाए, कौन से अकाउंटेंट को रखे,
वो उस शख्स को जिसे कौन सी अकाउंटिंग आती हो, बिल्कुल सही कहा, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सही है। अच्छा, और मजे की बात है, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ेंगे, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत आगे जाके पढ़ते हैं, हम उसकी बेसिस बेसिक्स पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है, लेकिन समझ लो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी आगे जाकर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनती है। सर हम ये वाली अकाउंटिंग नहीं पढ़ेंगे, दो कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट टू में पढ़ाई जाती है, या बैचलर्स जब आप बीबीए करते हैं, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करते हैं तब पढ़ाई जाती है, ये किस चीज से रिलेटेड है अभी बताऊंगा। और मैनेजेरियल अकाउंटिंग मास्टर्स लेवल पर पढ़ाई जाती है, इसका मतलब है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, लेकिन हमारे सब्जेक्ट का नाम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी हम अकाउंटिंग के बुनियादी उसूल पढ़ेंगे शुरू में और प्रैक्टिकल काम करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। यानी अगर कोई पूछे आप कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो आपका जवाब होगा हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सब्जेक्ट है नाम, लेकिन हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर कभी पेपर में एमसीक्यू आ जाए और वो आपको चार ऑप्शन दे और चार ऑप्शन में से कोई एक नाम हो, तो आप उसे क्या कहेंगे, दैट इज ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, कोई भी एक नाम हो, सही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझ आ गया, क्या मालूम करने में मदद देती है, क्या बताती है किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस। अब दूसरी अकाउंटिंग कौन सी है, कॉस्ट, ये हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए और वन लाइन में पता होना चाहिए। जब कोई बिजनेस सामान खरीद कर बेचने के बजाय सामान बनाकर बेचे, क्या करे, सामान बनाकर, कौन सा बिजनेस होगा, पहले ये नाम बताओ, अगर तुम दोनों में से किसी को याद है। मैन्युफैक्चरिंग, क्या बात है मेरा, क्या बात है मेरा बेटा, एक्सीलेंट, खुश रहो, मुस्कुराते रहो हमेशा। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को डील करती है, वो कारोबार जो सामान बनाकर बेचते हैं, वहां पर अकाउंटेंट सबसे पहले कौन सी अकाउंटिंग परफॉर्म करता है, बोलो, कॉस्ट। तो सर इसको करने से होता क्या है, अरे जो सामान हमने बनाया, पहले हमें उसकी कॉस्ट तो पता चले, कितने का बनाया, उसको बनाते हुए क्या नुकसान हुआ, कितने रुपए का मटेरियल जाया हुआ, कितने रुपए मजदूरों का काम करवाया, वो सारे खर्चे मिलाकर हमें पता चलता है प्रोडक्ट बनाने का खर्चा, और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है, और फिर किसको बताते हैं, फिर फाइनेंशियल अकाउंटेंट अपना काम शुरू करता है। अच्छा, उसे कितने में बेचा और कितने का बनाया था, ये कॉस्ट अकाउंटिंग ने बता दिया, और कितने में बेचा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट फिर उसकी मदद से प्रॉफिट और लॉस निकालता है। इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कितने तरह की अकाउंटिंग होती होगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कितने तरह की अकाउंटिंग होती होगी, मेरा सवाल है, आप सुन रहे मेरी बात, दो तरह की होती होगी, पहले कौन सी अकाउंटिंग होती होगी वहां पर, लॉस, नहीं मेरा बेटा, देखें मैं कह रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो अकाउंटिंग होती है वो दो तरह की परफॉर्म होती है। अगर आप एक ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो ना, अगर आप एक ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो, बेटा आपके जो ना घर से आवाजें आ रही हैं तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगी क्लास में, हाँ शुक्रिया, जब आप बात करना हो तो म्यूट कर लिया, अनम्यूट कर लिया करें जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली मेरा बच्चा मैंने कहा क्या बताती है, किसी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस कौन से बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, किसी भी बिजनेस का, जो सामान खरीद के बेचे, जो बना के बेचे, या लोगों को दे सर्विस, अग्री, सामान बनाकर बेचे, सामान खरीद के बेचे, या सामान या लोगों को सर्विस दे, उसकी उसका प्रॉफिट लॉस मालूम करने के लिए कौन सी अकाउंटिंग करते हैं, बोलो, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल। अच्छा, और जब कोई बिजनेस सामान बनाकर बेचे, सामान बनाकर, तो पहले बनाते हुए जो खर्चा आया उसके लिए कौन सी अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, और फिर उस सामान को बनाकर जब बेचते हैं तो बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस, फिर कौन सी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, फाइनेंशियल। इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कितनी अकाउंटिंग होती है, दो होती है, एक्सीलेंट। अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात, इसका मतलब है कॉस्ट अकाउंटिंग भी अकाउंटिंग की एक ब्रांच है जो हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट मालूम करने में मदद देती है। क्लियर, आगे बढ़ूं? यस सर। अच्छा, एंड द लास्ट वन इज मैनेजेरियल अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग बैचलर्स में पढ़ते हैं आप लोग, और मैनेजेरियल अकाउंटिंग आप लोग पढ़ते हैं मास्टर्स लेवल पर, या बीबीए के आखिरी सेमेस्टर्स में थोड़ी सी पढ़ाई जाती है, ठीक है, और फिर ज्यादा पढ़ाई जाती है कहाँ, मास्टर लेवल पर। मैनेजेरियल अकाउंटिंग बेसिकली, मैनेजेरियल अकाउंटिंग का दूसरा नाम है डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग, यानी इस अकाउंटिंग में आप फैसले करते हैं कि आपको सामान बनाकर बेचना चाहिए या खरीद के बेचना चाहिए, और कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो आपने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया होता है पिछले सालों का, आप उसे
उसे सामने रखते हैं, देखते हैं कि यार इस ईयर में इतना प्रॉफिट हुआ, इस ईयर में इतना हुआ, इस ईयर में इतना लॉस हुआ, वो तमाम इन्फॉर्मेशन को देखकर, कौन कौन सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और कॉस्ट अकाउंटिंग की, यानी इन दोनों अकाउंटिंग, ये दोनों अकाउंटिंग जिसे आती है, कौन सी दो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग जिसे आती है, वो ही जानता है कौन सी अकाउंटिंग मैनेजरियल। अच्छा, और मैनेजरियल होती क्या है, ये मैनेजर लेवल पर होती है, टॉप लेवल पर होती है, इसको सीनियर मैनेजर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, और इसमें वो क्या करते हैं, इसमें उनका काम सिर्फ फैसले करना होता है, और फैसले वो ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब में देखकर फैसले नहीं करते, बल्कि वो फैक्ट्स एंड फिगर देखते हैं, वो देखते हैं पिछले सालों का बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो देखते हैं चीजें बनाने का खर्चा विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और इन दोनों अकाउंटिंग की बेसिस पर वो लेते हैं फैसले। तो वो जो फैसले लेते हैं, उन फैसलों को मदद करने में जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उस अकाउंटिंग का नाम है क्या, मैनेजेरियल अकाउंटिंग। आसान लफ्जों में अगर आप चाहें तो पढ़ भी लीजिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली टू द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस टू एनेबल इट टू टेक सुटेबल डिसीजन। इस अकाउंटिंग का मकसद क्या है, इस अकाउंटिंग का मकसद प्रॉफिट और लॉस बताना, इस अकाउंटिंग का मतलब कॉस्ट बताना, और इस अकाउंटिंग का मतलब मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि मैनेजमेंट सही फैसले ले सके बिजनेस को चलाने से मुतालिक। क्लियर? Yes. मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ब्रांचेस समझ आ गई, तो बस मैं आज कोशिश करके डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को फिनिश कर लेता हूँ। अच्छा है, ठीक है, और फिनिश क्या कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, फिनिश कल ही होगी है, मुझे ऐसा लगता है, हैं? और फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले वीक से हम मजीद इंपॉर्टेंट चीजें शुरू करें। अब यूं समझ लें, डे बाय डे मेरे काम जो है अकाउंटिंग की जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती जाएंगी। अब आप सब जो भी कांटेक्ट में हैं, अगर आप में से कोई दोस्त हैं, इफ्रा अगर मैं गलत ना हूं तो दो इफ्रा है ना क्लास में, एक इफ्रा मजहर है और एक आप हैं, तो इफ्रा आपकी सिस्टर भी हैं इस क्लास में शायद, या नहीं है? नहीं है सर। अच्छा नहीं है, यानी वो एनरोल्ड है इस क्लास में, या वो दूसरी इफ्रा है? सर दूसरी इफ्रा। अच्छा, आप इंडिविजुअल हैं इस क्लास में, आपकी कोई सिस्टर नहीं है इस क्लास में, ठीक है? नो सर। ठीक है मेरा बच्चा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था आप लोगों से कि देखें, बात यह है कि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना ग्रेजुअली अकाउंटिंग में, तो ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी हमारी बुनियाद है। अगर आप ये सब याद रखेंगे तो आपको अकाउंटिंग आगे पढ़ते हुए समझ भी आएगी और मजा भी आएगा और प्रैक्टिकल काम होगा। रोजाना मैं आपको इस तरह लेक्चर नहीं सुनाता रहूंगा, ये मेहनत मेरी 15-20-25 दिन एक महीने की है बस, उसके बाद मेरी मेहनत खत्म। फिर क्या होगा, जैसे मैथमेटिक्स में टीचर आया, उसने एक सवाल पढ़ाया और उसके जैसे 5-6-8-10-15-20-25 सवाल, 5 ईयर पास पेपर के 15-20 सवाल आपने किए और आपने बोला कमांड बन गई चैप्टर पर, ऐसे ही हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी अकाउंटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस सब्जेक्ट की भी बुनियाद है ना, ये सब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, क्या तरीकाकार होता है, किस तरह के बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, ये सब तो हमें पता होना चाहिए और वो हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब डेफिनेशन शुरू करता हूँ। अकाउंटिंग में भी डिफाइन एज द साइंस एज वेल एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग जो है वो साइंस है, साइंस का मतलब नॉलेज है, और फन आर्ट भी है, यानी अकाउंटिंग दोनों है, अकाउंटिंग साइंस भी है और अकाउंटिंग आर्ट भी है, सही है? कैसे सर? देखो, जिसको जिसको नॉलेज नहीं होगी वो रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा, जिसको नॉलेज नहीं होगी उसे प्रोसीजर पता नहीं होगा, और आर्ट फन एक मखसूस अंदाज काम करने का, ये अंदाज हर किसी को नहीं आता, ठीक है? अकाउंटिंग साइंस नॉलेज है और अकाउंटिंग एक मखसूस अंदाज से काम करने का नाम है। आर्ट माने फन, किस चीज का फन, अब पढ़ लो, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। लो भाई, डेफिनेशन यही रुक गई और अब हम महदूद हो गए इस लफ्ज पर बस। अब जो हमारी बकिया क्लास है ना, अभी जो रह गई है वो ट्रांजैक्शन को समझने पर निकल जाएगी, और जो बच्चे वीडियो देखकर आज घर पे बैठ के समझेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ट्रांजैक्शन की बहुत सारी मिसालें दिमाग में बना लें बिजनेस के लिहाज से। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, डिफाइन कर दूं, उसके बाद सबसे पहले जो लोग मेरे लेक्चर को अभी सुन रहे हैं वो अपने पास एक छोटी सी लाइन में डेफिनेशन लिखेंगे, और अगर ज्यादा लंबी डेफिनेशन लिखने का शौक है तो ये लें, ये ले आया मैं डेफिनेशन। जनाब जनाब जनाब, ये रही डेफिनेशन, ये रही छोटी सी डेफिनेशन है, आप ये अपने पास सबसे पहले लिख लें, सबसे पहले।
एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन. ये सबसे पहले लिख लें अपने पास. डेफिनेशन समझाने के लिए मुझे लाजमी आपको बताना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन क्या होती है. आज की क्लास में मैं ट्रांजेक्शन समझाने में कामयाब हो गया तो कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको ये डेफिनेशन समझाने में कामयाब हो जाऊंगा. अकाउंटिंग साइंस है और आर्ट है, ये तो बता दिया. अब किस चीज का, आपने ये बोला ना, किस चीज की नॉलेज देंगे, क्या चीज सिखाएंगे, ऐसा क्या आर्ट है. आर्ट माने तो काम करना होता है ना, आर्ट माने काम करना है. साइंस माने नॉलेज है, तो नॉलेज भी है और काम करना भी सीखेंगे. क्या काम करना सीखेंगे, किस चीज की नॉलेज है, बिजनेस के मामलात की, और उसमें क्या रिकॉर्ड करना सीखेंगे. सर क्या रिकॉर्ड करना सीखेंगे, गाना रिकॉर्ड करवाएंगे, नात रिकॉर्ड कराएंगे, आवाज रिकॉर्ड करवाएंगे, क्या रिकॉर्ड करवाएंगे, हैं घर के मामलात रिकॉर्ड करवाएंगे. नहीं, हम रिकॉर्ड करवाएंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. अब फाइनेंशियल का मतलब तो होता है माली, माली गार्डनर नहीं, माल, पैसों से मुतालिक, यानी पैसों से मुतालिक. तो ट्रांजेक्शन क्या होती है, क्या आप दोनों में से किसी को आइडिया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. जाहिर सी बात है कॉलेज तो स्टार्ट नहीं हुए तो आप लोगों ने अभी कुछ पढ़ा भी नहीं है. घर वालों से भी एक लिमिट में डिस्कशन करते हैं, वैसे ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से एक अजीब और गरीब माहौल हुआ हुआ है. वो होता ना कि अगर कोचिंग आके पढ़ के जाते तो घर जाके घर वालों से पूछते, अगर बहन भाइयों ने कॉमर्स पढ़ी होती तो उनका दिमाग खाते. लेकिन ऑनलाइन पढ़ने के बाद बस सुना, पढ़ा, रजिस्टर बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया, बोला बहुत पढ़ लिया भाई, दिमाग खराब हो गया पढ़ पढ़ के. ऐसा ही हो रहा है ना फिलहाल आजकल तो सबके साथ ऑनलाइन की वजह से. तो मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है कि ट्रांजेक्शन अगर नहीं पता तो इस डेफिनेशन को लिख लो अपने रजिस्टर में, और हर बच्चा लिखे जो बाद में वीडियो देखे वो भी लिखे. क्या एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन. अब क्या मतलब है इसका, कुछ समझ आ रहा है ये पढ़ के. हाँ भाई आयशा, इफ्रा, कुछ पढ़ के समझ आ रहा है ये, इसका मतलब समझ आ रहा है कुछ. मुझे लग रहा है समझ नहीं आ रहा, वरना तुम लोग रिप्लाई करते अब तक, है ना. समझ नहीं आया. हाँ अभी आ जाएगा इंशाल्लाह, देखना ऐसा जबरदस्त समझ आएगा अल्लाह के हुक्म से. एक्सचेंज माने तो तुम्हें पता है. चलो अब ये तो बता दो सर, बदलना. अच्छा हाँ, एक मिनट रुकना. अश्का बेटा फर्स्ट ईयर की क्लास में कैसे आ गई, मेरा बच्चा चली गई. अच्छा ओके ओके, समझ नहीं आ रही है. फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी लिंक भेज दिया है, सेकेंड ईयर के बच्चों को. अच्छा बहुत शुक्रिया बेटा, आप में से जिसने भी कहा दोबारा कह दें. एक्सचेंज माने बदलना. और थोड़ी सी अच्छी उर्दू में अगर इसे बोले तब्दील करना. एग्जैक्टली, एक्सीलेंट. तब्दील करना यानी कुछ आपके पास है वो किसी को देना और बदले में कुछ ले लेना. यस, इसका मतलब है एक्सचेंज मीन गिव एंड टेक. कुछ दे रहे हो और कुछ ले रहे हो. तो चलो सुनो जरा मेरी बात. कहता है एक्सचेंज लेना और देना किस चीज का, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज. फिर बोल रहा हूं, लेना और देना. अच्छा सर किस चीज का, एनी एक्सचेंज, किसी भी चीज का लेना और देना. अब क्लियर हो गया, किसी भी चीज का लेना और देना. कैसी चीज, क्या चीज, ऑफ वैल्यूज, जिसकी क्या हो बोलो. किसी ऐसी चीज का लेना और देना जिसकी क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू हो. ऐसी चीज के लेने देने को कहते हैं ट्रांजेक्शन. अच्छा अभी तो ये तो मैंने मीनिंग की है, हो सकता है आपकी समझ आ गया हो और हो सकता है अभी भी आप परेशान हो, कंफ्यूज हो. अबे पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं सर, समझ ही नहीं आ रहा, अजीबो गरीब चीज है, अजीब सा लफ्ज है ट्रांजेक्शन. फिर बोलता हूँ एक बार, पहले मैं मीनिंग समझा रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आसान लफ्जों में जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा. कोई भी किसी किस्म का तबादला, किसी भी किस्म का लेना और देना, लेकिन उस लेने और देने की क्या हो, वैल्यू. अच्छा और जब वैल्यू हो ना, तो वैल्यू में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है समझना इस बात का कि उस वैल्यू का तायुन किया जा सके, वैल्यू मालूम की जा सके. ऐसी वैल्यू ना हो कि आप बता ही ना सकें कि इसकी वैल्यू क्या है, ऐसी वैल्यू ना हो कि वो बता ही ना जा सके कि इसकी वैल्यू कितनी है. कोई भी चीज, ऐसी चीज का लेना और देना जिसकी वैल्यू बताई भी जा सके, ये भी इंपॉर्टेंट है. ऐसा लेना देना जिसमें वैल्यू इन्वॉल्व हो जाए उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन. चलो अब मैं बोलूंगा और अल्लाह के हुक्म से तुम्हें समझ आएगा. मिसाल दूंगा ना, तुम जबरदस्त समझ जाओगे.
मैं तुम्हें इस वक्त क्या दे रहा हूँ बताओ? नॉलेज। नहीं है। हाँ, क्या दे रहे हैं हम आपको? नॉलेज दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। अच्छा, तालीम तो मैं दे रहा हूँ। बेसिकली मैं तो किसकी वजह से तालीम दे रहा हूँ, मैं किससे एसोसिएटेड हूँ, मैं किसके साथ एंगेज हूँ? मैक के साथ एंगेज हूँ ना। मैक वाले क्या करते हैं? मैक वाले देते हैं स्टूडेंट्स को अपनी आवाज नहीं आई, थोड़ा जोर से बोलो भाई, एक मिनट रुकिएगा। बिस्मा और कासिम, कासिम के बारे में तो मुझे कंफर्म है कि कासिम सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और बिस्मा के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है। मुझे ये बताइए, आप दोनों इस लिंक पर कैसे आए हैं? मेरा बच्चा, ये तो फर्स्ट ईयर का लिंक है मेरे बच्चों, ये तो फर्स्ट ईयर की क्लास का लिंक है। कासिम और बिस्मा, ये फर्स्ट ईयर की क्लास है। आप लोग इस लिंक को आपने कैसे ज्वाइन कर लिया? क्या आप लोगों को ये लिंक भेज दिया आज गलती से? नहीं, बिल्कुल गलत। ये बेटा सेकंड ईयर की क्लास का लिंक अलग है, जो यस्टरडे आया था ना लिंक, उसी पे लूंगा क्लास। सेकंड ईयर वाली क्लास में सेकंड ईयर लिखा हुआ होता है, चेक करो, सही है? उसमें लिखा होता है ना, इमरान खान इज इनवाइटिंग यू, तो उसमें देखो सेकंड ईयर लिखा होगा। और अगर वो नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं मैक फोन करके बोलता हूँ। ठीक है मेरा बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ, तो प्यारे बच्चों, मेरी बात मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, जरा गौर से सुने, एक डेढ़ मिनट रह गया। आप मिसाल सुने जल्दी से भाई, देखें, मैक कॉलेजेट वाले आपको दे रहे हैं सर्विस। सर्विस की आपके लिए क्या है? अनम्यूट कर ले माइक और जल्दी से जवाब दें। आप मैक कॉलेजेट से तालीम हासिल कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, तो सर्विस ले रहे हैं तो सर्विस की आपके लिए क्या है? वैल्यू। और बदले में आप कुछ दे रहे हैं या नहीं? बदले में आप कुछ दे रहे हैं? मनी। तो मनी की उनके लिए है। yes, sir. मनी की उनके लिए क्या है? वैल्यू। आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। मनी की उनके लिए है वैल्यू, ट्रांजेक्शन नहीं, मनी की उनके लिए है वैल्यू। ठीक है उकाशा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं आप? अच्छा चले, ये बेटा फर्स्ट ईयर की क्लास हो रही है उकाशा, ये फर्स्ट ईयर की क्लास हो रही है, सेकंड ईयर की क्लास सेकंड ईयर के लिंक पर होगी। अच्छा, अब मैं अपनी बात फिर करता हूँ, एक मिनट रह गया और ये स्टूडेंट्स बेचारे परेशान हो रहे हैं बार बार। सुने, आप जनरल स्टोर पे जाते हैं, आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, वहां से आप सामान लेते हैं, सामान की आपके लिए क्या होती है? बोले। और आप बदले में उसे दुआ दे के आ जाती है? नहीं, मनी। तो इसका मतलब है पैसों की उसके लिए होती है? वैल्यू। तो इसका मतलब है लेना और देना हो रहा है, और इस लेने और देने में क्या इन्वॉल्व है? वैल्यू इन्वॉल्व है, ट्रांजेक्शन नहीं आयशा, इस लेने और मैंने वैल्यू बोला है। अच्छा भाई, अच्छा, मुझे नहीं पता चला, इफ्रा ने बोला।